हाई एंड वेलकम टू द वर्डप्रेस सेशन एंड ऑल्सो वेलकम टू द फहद हुसैन यूट्यूब चैनल। प्रीवियस सेशन तक हमने अपेयरेंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि हम किस तरह से एक थीम्स पर वर्किंग कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम तफसीलन बात करेंगे अपेयरेंस में मौजूद विजट्स की कि विजट्स का ऑप्शन हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से हम अपने स्पेसिफिक एरिया स्पेशली इन फूटर डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। वीडियो को फर्दर आगे स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो फहद हुसैन CS के ज़रिए से आप YouTube पर सर्च करके मेरे YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिसे आप क्लिक टू प्ले करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट कंटेंट रिलेटेड होता है वो मैं अपने ब्लॉग पर फ्रीली आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप फहद हुसैन CS से सर्च कर सकते हैं, गूगल में मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक सेपरेट नेविगेशन बार है वर्डप्रेस का, इस पर क्लिक करने के बाद आप तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं अगर उसकी वहाँ पर इस रिलेटेड वीडियो पर ज़रूरत होती है। तो वीडियो फर्दर आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरवक जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो विजिट्स हमारे अपेयरेंस का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है और अपेयरेंस पर क्लिक करने के बाद हम विजिट्स पर जाएंगे। तो विजिट्स पर मैंने क्लिक किया और अब हम विजिट्स के व्यू पर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे विजिट्स पे बताया था कि हम आगे जाकर इस पर तफसीलन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो विजिट्स हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट हैं जिसके ज़रिए से आप अपने फूटर में स्पेशली कुछ ऐसे कंपोनेंट को ऐड करते हैं जो आपके यूज़र्स के लिए काफ़ी ईज प्रोवाइड करता है। यानी यूज़र अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बटन को प्रोवाइड करके आपको देगा जिस पर आसानी से क्लिक करके यूज़र आपका फॉलोअर बन सकता है, आपका सब्सक्राइबर बन सकता है, ठीक है, कैलेंडर देख सकता है, वहाँ पर कोई कैटेगरीज वाइज चीज़ों को सर्च कर सकता है, आर्काइव से वो चीज़ें उसको पता चलेंगी कि किस मंथ में किस डेज पर कौन सी चीज़ पब्लिश हुई। तो वो तमाम चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपकी कंप्लीट वेबसाइट को इंडिकेट करने के लिए आपको ईज प्रोवाइड करता है वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। जैसे कि आप इस पेज पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मैनेज कर सकते हैं लाइव प्रीव्यू के ज़रिए से भी उस विजिट्स को, और नीचे बताया जा रहा है कि अवेलेबल विजिट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। टू एक्टिवेट अ विजिट्स विजिट्स ड्रैग इट टू द स्लाइड बार और क्लिक ऑन इट टू डीएक्टिवेट अ विजिट्स एंड डिलीट इट सेटिंग ड्रैग इट बैक। यानी अगर आप किसी भी विजिट्स को जो कि नीचे मौजूद है उसे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से भी इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, ये लिखा हुआ है ऐड विजिट्स, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसी को यहां से ड्रैग करते हुए लाएंगे इस जगह पर। जैसे ये फूटर का ये ऑप्शन राइट ऑलरेडी मौजूद था और जिस जगह आप विजिट्स को ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप उसका टाइटल देंगे कि ये जो एक्समेट विजिट है ये एक्चुअली ये एक काइंड का हम कह सकते हैं प्लगइन्स है जो हमें क्या करके देता है कि जो स्पैम कमेंट्स होते हैं या ब्लॉक कमेंट्स होते हैं उनको ये सेपरेट करके हमें दिखा रहा होता है। अगर मैं इसको क्लिक देने के बाद सेव कर दूंगा तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा और मेरे फूटर एरिया पर शो होना शुरू हो जाएगा। अगर इसे ख़त्म करना है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, एक तरीका है, जैसे मैंने यहाँ से क्लोज़ किया ऐसे और उसके बाद ड्रैग करते हुए यहाँ पर ला के रिलीव कर दिए, ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो हम ये समझ चुके हैं किस तरह से विजिट्स हमारे ब्लॉग पर विच मीन या हमारी वेबसाइट पर बाय यूजिंग वर्डप्रेस ऐड होगा। और जो यूज़फुल यहाँ पे विजिट्स हैं हर एक विजिट्स के हवाले से यहाँ पे डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि कौन से चीज़ क्या करती है। आर्काइव्स हमारे मंथली आर्काइव्स पोस्ट के हवाले से बताएगी। तो अगर मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इस जगह पर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया। कोई टाइटल देना है तो मैंने इसको कह दिया आर्काइव्स, ठीक है। डिस्प्ले एज अ ड्रॉप डाउन, मैं डिस्प्ले करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन पे तो आप कर सकते हैं। शो पोस्ट काउंट, आप ये करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने आर्काइव्स अपने पास ऐड कर दिया। पिछले सेशन पे कस्टमाइज पे मैंने कैलेंडर ऐड करके दिखाया था, अभी मैंने आर्काइव्स आपको ऐड करके दिखा दिया। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे हम। तो प्रीव्यू के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूँ और वहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर अपने पेज को मैं ओपन कर चुका हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं बॉटम पर आऊँगा और बिल्कुल बॉटम पर हमें दिखना चाहिए और हेयर इट इज़ आर्काइव्स हमें दिख रहा है और ड्रॉप डाउन के साथ है। मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, अप्रैल लिखा आ रहा है और उसमें एक क्वांटिटी भी बता रहे हैं कि अप्रैल में आपने 5 पोस्ट किए हैं। मैंने इस पर जैसे क्लिक किया आप देखिएगा पेज रीलोड होगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू रीलोड, और उसके बाद जितनी पोस्ट वहाँ पर मौजूद थी वो 5 यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हम विजिट्स किस तरह से ऐड करा के सेटिंग कर सकते हैं, उसके प्रीव्यू देख सकते हैं। इसी तरह कोई कैटेगरी ऐड करवाने की ज़रूरत है आप यहाँ से क्लिक करके उसको ड्रैग करके वहाँ पर ले जा सकते हैं फूटर के अंदर। ख़त्म करना है ड्रैग बैक करेंगे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। गैलरी ऐड करवाने की ज़रूरत है आप करवा सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि कोई चीज़ें आप इंग्लिश में लिखी हुई हैं तो यूज़र डिफरेंट लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। इसी तरह फॉलोवर का बटन जो होता है, इंस्टाग्राम का बटन यहाँ पर मौजूद है वो आप कर सकते हैं। पेजेस दिखाना
दिखाना चाहते हैं, जिन पोस्ट को लाइक किया है उनको आप सॉर्ट करके दिखाना चाहते हैं, जो रिसेंटली या फिर लाइक्ड वीडियोज़ या लाइक पोस्ट होती हैं उनको सॉर्ट करके आप दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह वीडियो भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं वीडियो भी आपको करके दिखाता हूँ। तो वीडियो के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ लिखा ऐड विजिट्स, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी करा सकता हूँ। तो मैंने ऐड विजिट्स पर क्लिक किया, ये ऐड हो जाना चाहिए, टॉप पर जाएंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं वीडियो। आप टाइटल बताना चाहते हो, यहाँ पर टाइटल बता दो, तो मैंने कह दिया फहद हुसैन ट्यूटोरियल, ठीक है। ऐड वीडियोज़ यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मैंने ऐड वीडियो पे क्लिक किया, आप देख रहे हो सबसे पहले ये मीडिया लाइब्रेरी पे लेकर आया। तो मीडिया लाइब्रेरी से आप सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे और वहाँ से कोई भी वीडियो जो आपकी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और वो फाइल अपलोड कर देंगे। अगर अपलोडेड फाइल पर वो मौजूद है तो आप अपलोडेड से भी हासिल कर सकते हैं, मीडिया से भी हासिल कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल हम पोस्ट और कमेंट से ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं कि हम मीडिया से कैसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर इंसर्ट URL की है, यानी आप चाहें तो डायरेक्टली किसी URL से रिलेटेड वीडियो, फॉर एग्जांपल अगर मैं YouTube की बात करूँ तो उसके URL को भी हम यहाँ पर फैच कराकर डिस्प्ले करवा सकते हैं। लिहाजा हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे मैंने क्लिक किया ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे URL ला के पेस्ट करें, ठीक है। तो मैं YouTube पे चलता हूँ, अपनी किसी भी एक वीडियो को क्लिक करता हूँ और उसकी URL को गेट कर लेता हूँ। तो हम रैंडमली मैं किसी भी वीडियो को ले लेता हूँ, तो दिस वन, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी URL को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट किया। प्रीव्यू अभी हमें दिखना शुरू हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप प्रीव्यू आ चुका है। ऐड विजिट्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे प्रीव्यू दिखना शुरू हो गया। मैंने सेव पर क्लिक किया, इट्स नाउ सेव्ड, ओके। और जैसे ये सेव्ड हो गया अब हम अपने पेज पे चलेंगे और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो मैंने पेज पे गया, मैंने पोस्ट के को हटाया यहाँ से, पेज को रिफ्रेश किया, उसके बाद हम बॉटम पे चलते हैं एंड हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं कि हमारा वो URL वीडियो के फॉर्म पर यहाँ पर आ चुका है और हम इसे क्लिक करके प्ले भी कर पाएंगे एज़ यूजुअल जिस तरह से वीडियो प्ले होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था अपेयरेंस के अंदर कि आप किस तरह से कस्टमाइज़ को यूज़ कर पाते हैं, कस्टमाइज ऑप्शन पे विजिट्स को यूज़ कर पाते हैं और यूज़ करने के बाद आप किस तरह से उसको एक्सेस दे पाएंगे कि मल्टीपल विजिट्स को आप अपने फूटर पे कैसे ऐड कर पाएंगे और किस तरह से उसकी सेटिंग कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जिस बिज़नेस प्लान पर या जिस बिज़नेस वेबसाइट या ब्लॉग पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर किन विजिट्स की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसको इस्तेमाल करेंगे। किसी को भी ख़त्म करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर डिलीट का बटन, ये लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि विजिट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमारे वेबसाइट को इन्हेंस करता है इन टर्म ऑफ द डिज़ाइनिंग एंड फिजिबिलिटी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक जानकारी मिले। आप फहद हुसैन CS और फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन पर हम बात करेंगे मेन्यूज़ की, ठीक है, कि मेन्यूज़ किस तरह से हैंडल किया जाता है और पोस्ट को भी अगर हम मेन्यूज़ में लाना चाहें तो क्या मैं ला सकता हूँ और इसी तरह पेजेस की सेटिंग हम किस तरह से प्रॉपर वे में कर सकते हैं। थैंक यू।